आज हम जानेंगे कि एक पिता की जिद ने उस लड़की को कैसे बना दिया दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 1987 में इंग्लैंड की बर्मिंघम में पैदा हुआ एक लड़का। परिवार के आर्थिक हालात खराब थे। पिताजी मुर्गियां बेचते थे, लेकिन पिता का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट खेले। महज 8 साल की उम्र में उस लड़की ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बट अब तक उसे इस खेल में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब वो 13 साल का हुआ, तब पिताजी की कई एक एक बात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। पिताजी ने कहा कि बेटा, अगले 2 साल तक तू क्रिकेट में जमकर प्रैक्टिस कर, मैं चाहता हूँ कि तू देश के लिए खेले। पिता का साथ बच्चे का हौसला बन गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वही मुर्गी बेचने वाले का लड़का आगे चलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहिन अल्ली की, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट की दीवाने हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।